हेलो, एक सेकेंड साइलेंट कर लेता हूँ फोन अपना ताकि बदल। यस, आवाज आ रही है ना? ऑडियो पहली बार तो थैंक यू बधाई देने के लिए कि एक इतना सक्सेसफुल रन रहा है। एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे जहां पर उसे इतना सारा प्यार मिले, इतना सारा सम्मान मिले। सो बहुत सारी खुशियां बटोर कर जा रहा हूं मैं यहां से, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द वे द शो हैज़ शेप्ड अप, द वे माई रोल हैज़ शेप्ड अप, एंड बहुत अच्छा लगा मुझे। सो मेरे लिए एक यादगार सफर रहा है। ये जानकर खुशी हुई कि लोगों को इतना पसंद आया है एंड इतना इमोशनली कनेक्टेड है एक किरदार से, जबकि कोशिश यही रही हमारी। एटलीस्ट मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मैं किरदार को एक इंसान बना पाऊँ, तभी हम एज एन ऑडियंस कनेक्ट होते हैं एक किरदार से, जब वो इंसान की तरह ट्रांसलेट होता है ऑन स्क्रीन। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल आर इमोशनली कनेक्टेड टू विराट, और उसके अप्स एंड डाउन्स, उसकी हंसी में, उसके दुख में, उसके साथ में। सो आई एम ये जानकर खुशी मिलती है कि एक तरह से एज एन आर्टिस्ट वो ट्रांसलेट कर पाया हूँ जो मेरे राइटर्स, मेरे मेकर्स ने जो विजन बनाया था इस शो का, इस किरदार का, उसे मैं थोड़ा बहुत जस्टिस दे पाया हूँ। सो आई एम जस्ट हैप्पी। मैंने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि विराट में एक बहुत ही अच्छी खूबी है, मतलब ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि वो कोई भी चीज़ हाफ हार्टेडली नहीं करता, हमेशा 100% इन्वॉल्व रहता है, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो ईमानदारी हो, वफादारी हो, कुछ भी हो, 100% है उसमें। तो हाफ हार्टेड एफर्ट किसी में भी नहीं है उसका। तो दैट्स व्हाट आई रियली लाइक, एंड वो मैं अपने आप से वो रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि मैं भी एक तरह से 100% हूँ या नहीं हूँ। वो एक ट्रेड है जो मैं उसकी वो ट्रेड में लेके जाना चाहूँगा। आई थिंक उसका गुस्सा, वो उसके गुस्से पर कंट्रोल नहीं, और मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो वो मैं उससे उस चीज़ से रिलेट कर पाता हूँ कि विराट बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, और वो अपने शॉर्ट टेम्पर में कुछ ऐसे डिसीजंस लेता है जो गलत होते हैं, किसी की नज़र में गलत हो सकते हैं वो। तो आई थिंक तो वो शॉर्ट टेम्पर और वो गुस्सा, उससे मैं अपने शॉर्ट टेम्पर से रिलेट कर सकता हूँ। या आई मीन लास्ट डे है आई नो, और इसके पहले भी कई शोज कर चुका हूँ, एंड ऑब्वियसली इट्स अ इमोशनल थिंग, बट इमोशनल डजंट मीन ऑलवेज योर क्राइंग बकेट्स। इमोशंस कैन ऑल्सो मीन happy emotions, nostalgic emotions, cherishing things. So I am very very happy. अंदर एक खुशियों से भर गया हूँ मैं आज, seriously. मैंने यही सोचा था कि जब भी मेरी ये journey पूरी होगी, मैंने ये नहीं सोचा था कि आज या जब कभी भी ये journey पूरी होगी, उस दिन जब मैं पलट के देखूँ तो एक smile होनी चाहिए, कि अपने काम से खुश होना चाहिए इंसान, और मैं खुश हूँ। So I am happy and I am very proud of the work that we put out. I'm very proud of her. Uski journey usne achhi tay ki hai, and logon ne usse bahut pyar diya, bahut samman diya, and abhi jahan bhi hai wo wahan bhi pyar bator rahi hai, and I'm very happy for the for her and for her fans. So keep supporting her guys. ऑनेस्टली कुछ नहीं सोचा, ये आज जब ख़त्म होगा
मैं एक दो दिन आराम से सोऊंगा, बिकॉज बहुत दिनों से ढंग से सो नहीं पाया हूँ, तो एक दो दिन आराम से सोऊंगा, उसके बाद सोचूंगा करना क्या। सो एज ऑफ नाउ नथिंग इज़ ऑन प्लेट एंड नथिंग इज़ इन द पाइपलाइन, सो ऐसा कुछ भी नहीं। ऑफकोर्स बताया, शी इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली इमोशनल अबाउट दिस, बट एट द सेम टाइम एक जर्नी है, कभी ना कभी जैसे शुरू हुई थी ख़त्म भी होनी, सो वी आर वेरी प्रैक्टिकल इन दैट सेंस। सो शुरुआत हुई थी, वो पहले जा चुकी है, तो उससे बड़ा था कभी ना कभी तो होना ही था, इट्स ओके, एक नई जर्नी शुरू करेंगे। सो शी इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। बहुत सारी मेमोरीज है, कोई एक ऐसी स्पेशल मेमोरी है नहीं, बिकॉज वो सेट, वो विराट का रूम, वो हॉल, वो गणपति जी की मूर्ति हमारी, वो बाद में लीफ वाली जो मूर्ति थी, वो सारी चीज़ें इतनी स्पेशल है। वो जो सेट है हमारा, वहाँ पर इतने इतने अच्छे सीन्स हुए हैं, वो सारी मेमोरीज है मेरी, एंड हमारे मेकअप रूम्स, तो एक नहीं है, ऐसे अनेक हैं मेमोरीज, तो एक चुनना उसमें से बहुत मुश्किल है। सो एंड इट विल बी इनजस्टिस टू अदर्स, सो आई डोंट थिंक देर इज़ वन स्पेशल मेमोरी एज सच, बहुत सारी चीज़ें हैं। विराट के रूम में मैंने मुकाबला का डांस किया था, वो मुझे आज तक याद है, आज भी जब मैं कहीं जाता हूँ तो लोग बोलते रहे तेरा वो डांस देखा था, तो आई एम हैप्पी, चीज़ें ऐसे ही याद रहती हैं लोगों को, सालों साल याद रहती हैं, सो आई एम वेरी ग्लैड। तो एक मेमोरी नहीं है, बहुत सारी है। उसका कहने का मतलब ये था कि ये शो हमारे लिए बना, इन द सेंस कि हम इस शो में मिले, शादी हुई, कोई ऐसा सोचता नहीं है कि एक ही शो में रहकर शादी भी हो जाएगी और आगे बढ़ेंगे लाइफ में ऐसे, तो वो उस हिसाब से बोल रही थी कि हम ये शो हमारे लिए बना है। और हाँ, मैं कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूँ कि ये शो हमारे लिए बना है ऐसे, एंड इट्स अ वेरी पर्सनल इमोशन, इट्स नथिंग टू डू विथ द शो एज सच, इट्स जस्ट अ वेरी पर्सनल इमोशन बिटवीन हर एंड मी। सो या मैं हर एक किरदार के लिए ओपन हूँ, आई एम ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ चैलेंज, एंड बिकॉज मैंने कभी सोचा नहीं अपने आप को कि इस ढांचे में अपने आप को देखना चाहता हूँ कि उसमें देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो आई थिंक अगर मैं वैसे सोचना शुरू करूँगा तो इट इज़ मोर लाइक मैं अपने आप को बांध रहा हूँ, क्योंकि मेरी क्रिएटिविटी भी एक एक लिमिट है उसकी, शायद जो मुझे थर्ड पर्सन की नज़र से देख रहा है या देख रही है उसके दिमाग में मैं कुछ और कर सकता हूँ शायद, तो आई वुड रादर बिलीव इन दैट एंड गो विद दैट। अनचार्टेड टेरिटरी में जाना चाहता हूँ, अपने आप को थोड़ा सा चैलेंज करना चाहता हूँ, सो आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग गाइस। पहली बात तो ढेर सारी किसेस सारे फैंस को जो इतना सारा प्यार अपना दर्शा रहे हैं मेरे किरदार के लिए, एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी, बट लाइक एवरी एवरी गुड थिंग मस्ट कम टू एन एंड, एंड एवरी जर्नी दैट बिगिन्स ऑल्सो हैज़ एन एंड, सो दिस इज़ जस्ट अ टेम्पर, दिस आई एम नॉट सेइंग ये जर्नी ख़त्म होती है, जी हाँ विराट की जर्नी ख़त्म होती है, लेकिन नील एज एन आर्टिस्ट की जर्नी हमेशा कंटिन्यू रहेगी, एंड इट्स जस्ट अ पॉज बटन फॉर अ वाइल, सो जैसे ही प्ले होगा आपको पता चल जाएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। फैंस के लिए यही हमेशा के लिए जो मैं बोलते आया हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारा प्यार और सम्मान दिया है मुझे, यहाँ तक पहुँचाया है, मेरे करियर का सबसे बड़ा हाई पॉइंट रहा है ये शो, एंड उस चीज़ को मतलब यहाँ तक पहुँचाने के लिए पहली बात तो नमन करता हूँ, थैंक यू, एंड विथ अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी आई एम आस्किंग कि आप लोग इस शो को भी उतना ही प्यार दें जब मैं यहाँ से जाऊँ, एंड जहाँ भी जाऊँ वहाँ मुझे उतना ही प्यार और सपोर्ट दीजिए। थैंक यू सो मच।